फिट के लिए ये है ये जी ठीक है, ये है डीसी के अंदर उसकी जगह पे फिर मैंने ये लगाई है, ये आधे के पंप के लिए। कुरंगी टाउन और औरंगी वगैरह इधर चलती हैं ज्यादा, आपको 60% 50% बचत होगी बिजली के बिल में। देखें ये होती है लाइन के लिए, लगता है गैस पे। नहाने के लिए बेहतरीन है, आप इसे सिर्फ खाली बाल्टी में डालो, घर के जितना बड़ा भी कमरा हो ना तो ये उसको भी गर्म कर दे। कोरियन टेक्नोलॉजी है, ये भी पड़ी है मेरे पास, 80 पड़ी हुई है, 120 पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिक एसपी ब्रेकर है, 2-4 ब्रेकर, सिंगल पोल, बड़ी टीवी, छोटी टीवी सारी पड़ी हुई है। घर में 6 कमरे, ये बड़े साइज के अंदर है, 6 कमरे है मेरे घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल वर्क के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान। आज हम मौजूद है कराची क्वालिटी गोदाम शेरशाह के अंदर जापान इलेक्ट्रॉनिक जोन पे। तो एक दफ़ा पहले भी हम आए थे इमरान भाई के पास, हमने यहाँ से वीडियो बनाई थी, आपने उसके ऊपर बहुत प्यार दिया था, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपको एक यहाँ से एक और वीडियो भी बना के देते। तो आज हम फिर आपको रिव्यू कराने वाले तमाम डीसी आइटम का जो यहाँ मौजूद है, जिसके अंदर पानी की मोटरें और बैटरियाँ पड़ी हुई है, पंखे पड़े हुए, जितना तरह यहाँ पे सामान पड़े हम आपको उसका रिव्यू करा के दिखाते। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई, तो आए इमरान भाई के पास चलते और उनसे तमाम तर तफसीलात लेके आपके साथ शेयर करते। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल भाई जान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए इमरान भाई, ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, पहले भी वीडियो बनाई है, माशाल्लाह बहुत व्यूज बने हैं, और इसके अलावा काफी सारे ऐसे कस्टमर बहुत लेकर गए हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इन वीडियो पे आपको कॉमेंट्स दें कि आप बताएंगे आप कैसी चीज लेकर गए। ठीक है, क्योंकि इमरान भाई आपकी पहली वीडियो पे हमारे को बहुत प्यार मिला, तो हमने कहा क्यों ना नाज़रीन के साथ दोबारा शेयर किया जाए। इमरान भाई हमारे को सबसे पहले आप यहाँ की तफसील दे दें मोटरों के बारे में ना, अपने पास कौन सा आइटम मौजूद है इस टाइम पे? इस बार थोड़ा महंगाई की वजह से थोड़ा रेट तो बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी कस्टमर के साथ हम लोग डील कर लेते हैं बड़ी मुश्किल से। ठीक है, कि वही चीजें मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, ये नहीं कि एक बार रख ली और भूल गए। और वही मोबाइल पंप है, अभी इससे बड़े वाले मोबाइल पंप आए, इससे ये छोटे, ये उससे बड़े वाले हैं। ठीक है इमरान भाई जी, ये उससे बड़े वाला है पंप, ये बड़े वाला है, उससे बड़े वाला फिर है, ये दो चीज है। कितने कितने फीट तक पानी खींच रहे इमरान भाई? ये वाला 60 फीट तक खींच रहे, यहाँ तक कस्टमर लेकर गए वो तो कहते हैं 90 फीट, लेकिन 90 फीट के लिए ये है। ये जी ठीक है, ये है डीसी के अंदर जी, ये डीसी के अंदर है, आप इसको 12-18 वोल्ट भी लगा सकते हैं, इसको 12-24 वोल्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जितना स्पीड से ये चलेगी मोटर उतना पंप खींचेगी। ठीक है, अच्छा इमरान भाई इसके प्राइस क्या है? ये इसका जो इसके जो रेट है, इसका जो आपको मिलेगा ये 5,000 की है, ये 6,500 की है, इस वक्त ऑनलाइन सबके लिए दस्तयाब है। ऑनलाइन कोई भी आपसे मंगवा सकता है। और अच्छा इमरान भाई, जो हमारे पास पीछे ये वाली मोटरें पड़ी है जिन्होंने नहीं देखी हुई आप, और इस बार मोटरें भी बड़ी अलहदा है, बहुत अलहदा तरीके से आई है। पहले मेरे पास ये पड़ी हुई थी, कस्टमर की शिकायत आ रही थी, उसकी जगह पे फिर मैंने ये लगाई है, ये आधे के पंप के लिए है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये वाली आती है, ये भी बैटरी के ऊपर आधे की पंप के लिए है, लेकिन इसको आप 24 वोल्ट पे लगाते हो तो फिर ये एक के लिए भी है। ठीक है, और इससे भी बड़ी मोटर ये आई है इधर, तकरीबन पूरी शेरशाह में मौजूद नहीं है ये। ठीक है, ये वाली मोटर जी, ये हम कितने, ये या तो हमारे पास चलती है या तो ये कुरंगी टाउन और औरंगी वगैरह इधर चलती है ज्यादा। ठीक हो गया, और ये जाते हैं जिससे मैं लेता हूँ उनकी इन दो जगहों पर, या मेरे पास ही जाते उस तरफ। अच्छा, जो भी नए बंदे देख रहे हैं उनको हम बताइए, डोंकी मोटर के ऊपर लगती है सबसे, और ये 12 वाट में चलेगी, इससे सबसे मेन फायदा ये की आपके बिजली का बिल बिल्कुल बहुत बचत, वही मैं मेरी एक ही बात है कि वही आपकी जो है ना, आपको 60% 50% बचत होगी बिजली के बिल में। प्राइस इमरान भाई, इनके प्राइस भी जरा बता दे देना व्यूअर्स को। इसकी जो प्राइस है कस्टमर के लिए कोई भी लेकर आ जाता है तो ये आपके लिए पड़ेगी 5,300 रुपए पर फिट कीमत में। ठीक हो, ये आखिरी कीमत होगी मेरे लिए। और ये जो छोटी वाली इमरान भाई, ये 4,200 रुपया वही उसका पुराना रेट है। ठीक हो गया, ठीक है, बस जैसे और जी, मौजूद है जी, ये वाली 3800 रुपए की है, और ये वाली जो हालांकि नहीं चल रही थी, लेकिन चलो कोसी और किसी और चीजों में जैसे पे सिलाई मशीन पे लोग वगैरह चला लेते हैं। ठीक हो गया, और उसके लिए इसके अलावा मैंने आपको सिलाई मशीन के लिए एक एक्सपीरियंस भी बताया था, तो आपने वो साइन किया था, मेहरबानी आपकी, तो वो भी काम अच्छा है, आप कहीं से भी इन्वर्टर लेके सिलाई मशीन चला। इमरान भाई हमारे बैक पैक मोटर पड़ी है, बता दीजिए एसी है या डीसी है जो आपके पीछे पड़ी हुई? ये मेरे पास पड़ी हुई है
डीसी मोटर। अच्छा, ये आप 12 वोल्ट भी चला सकते हैं, ज्यादा पानी चाहिए तो इसको 24 वोल्ट में लगा दो। ठीक है, ये कितने फीट और ये देखें, ये होती है लाइन के लिए। अच्छा, ये लाइन। ठीक है, टैंक का पानी आप 30 फीट से उठा लो, बकाया लाइन बेशक 300 फीट भी दूर रहने तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल देती है तो ये पानी आप देंगे कि इसके बाद ये खुद खींचना शुरू कर देती है। ठीक हो गया जी। ये वाली इस वक्त मार्केट के अंदर 16,000 रुपया रेट है, मेरा 12,000 रुपया रेट है। 12,000 रुपए का। इसको हम लोग बैटरियों से भी और सोलर से भी, बैटरी सोलर सब 12 वोल्ट 24 वोल्ट आप लगा सकते हैं। इंशाल्लाह 2 दिन की गारंटी मेरी तरफ से है इस पे। ठीक हो गया। और बकाया कोई मोटर लेके जाता है उसकी भी गारंटी मेरी तरफ से। ठीक हो गया मान भाई। अच्छा, जैसे भी आपको पता लग गया सर्दियां आ गई है, और आपको पता है जब हम लोग काम से थके हुए घर पे आते हैं और खाना मांगते हैं तो हमारे को एक जवाब मिलता है कि भाई घर में गैस नहीं आ रही, जाके तैयार ले आओ। तो उसके लिए हमारे पास हल मौजूद है, यहाँ पे ये गैस की मशीनें पड़ी हुई है। ये भी हम इमरान भाई से जानते कि इसका क्या काम है। इमरान भाई, आप ज़रा बता दीजिए इसका ये क्या काम है और ये क्या करती है। ये जी इसका काम है, ये मैन पे लगता है गैस पे, और ये इनपुट है और इसका ये आउटपुट है। तो आप इसको चलाएंगे तो तभी जाके सर्दियों में गैस आपके पास आएगी, वरना गैस नहीं आती है। गैस नहीं आती। जबकि मेरे घर में लगी है तकरीबन 15 महीने हो गए मैं इसको चला रहा हूँ। बेशक चाइना चीज है लेकिन बहुत अच्छी चीज है। ये एसी पे है, डीसी पे? ये एसी पे है। ठीक हो गया जी। सही, ये एसी के ऊपर है और इसके अलावा एसी डीसी भी पड़ी हुई है, वो भी चाइना की पड़ी है मेरे पास। इमरान भाई, जैसे हम कराची वालों को सर्दी ज्यादा लगती है ना, नहाते नहीं है दो महीने में, तो उसके लिए कोई हीटर वगैरह है तो वो भी जरा दिखा दीजिए। उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। ये नहाने के लिए बेहतरीन है, आप इसे सिर्फ खाली बाल्टी में डालो, 5 मिनट सिर्फ लगाओ, इसको पानी के अंदर डाल के लगाइए। इसके तहत ये होगा कि आप जब पानी गर्म हो जाए तो इसको बंद कर देना, बंद करके निकाल के आप बेशक पानी में आ डाल सकते हैं ये वगैरह। ये बच्चों से खाली चीज दूर रखें, लेकिन चीज बहुत अच्छी है ये। ठीक है, पानी गर्म करने के बहुत अच्छी। इसके प्राइस भी बता देना इमरान भाई। इसका प्राइस अभी तो फिलहाल मेरे पास 800 रुपए चल रहा है। ठीक है, इससे छोटे वाला आता है वो 500-600-400 जो भी है उसका रेट होता है, इससे छोटे वाला, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा हीटर पड़ा हुआ है अपने पास इमरान भाई? इसके अलावा ये हीटर है, ये घर के जितना बड़ा भी कमरा हो ना तो ये उसको भी गर्म कर दे। अच्छा, ये कम कमरा गरम करने, कमरा गरम करने के लिए। मैं इसे बात दूसरे कहना चाहूंगा कि ये पोल्ट्री फार्म वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फार्म वगैरह वाले होते हैं, वो भी लेके जाते हैं, उस काम में भी ये होता है। ठीक हो गया। तो जो लेकर है वो उसने लगाए हैं, उसने खुद मुझे बताया कि यार खान भाई बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। अच्छा, इसके क्या प्राइस है इमरान भाई? जी इसका जो प्राइस है, इसका इस वक्त 1800 रुपया रेट है, और इंशाल्लाह चीज लगाएंगे पंजाब जैसी जगह पे, आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है ये। ठीक है। हाँ, इसके अलावा पर कमरे के लिए भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको मोटर भी दिखाई थी जो डीसी के अंदर है, 12 वाल्ट के अंदर है, उनके लिए अगर आपको बैटरियां भी चाहिए तो बैटरियां यहाँ पे सारी अवेलेबल है। ये सारी बैटरियां यहाँ मौजूद है, जो मोटर अगर आप उनके लिए बैटरी भी लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। इमरान भाई, बैटरी हमारे पास तकरीबन ड्राई पड़ी हुई है या पानी वाली भी है? ये बैटरी मेरे पास सिर्फ ड्राई होती है, न्यू होती है। मैंने हर वक्त पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा था, मैं पुरानी बैटरी नहीं बेचता, मेरी सिर्फ 0 मीटर बैटरी होती है। कस्टमर आते हैं, अगर खराब बैटरी लेके जाएंगे यूजेबल आपने दो बार फिर आएंगे, फिर इसलिए मैंने ये न्यू बैटरी रखी है। जी इसमें फ्यूजिका 50 पड़ी है, एक्साइट 40 पड़ी है, एक्साइट 65 पड़ी है, ऐसे डेवो कोरिया की बैटरी है, कोरियन टेक्नोलॉजी है, ये भी पड़ी है मेरे पास, 80 पड़ी हुई है, 120 पड़ी हुई है, 65 पड़ी हुई है इसी के अंदर, डेवो के अंदर भी। ठीक हो गया। छोटी बैटरियाँ क्या काम करती है? ये बैटरी जो है वो छोटी जैसी बैटरी है वो 70 के अंदर लगती है, ये फिर 150 के अंदर भी लगा लेते हैं, 7 एम्पीयर भी, वो 9 एम्पीयर भी पड़ी हुई है 150 के अंदर। जैसे हैवी बाइक है तो हैवी बाइक के लिए ये 12x12 भी मेरे पास बैटरी पड़ी है, बड़ी बैटरी भी है जी, ये आप दे सकते हैं, ये भी है। इसके रेट भी इमरान भाई बताते जाए जरा हमारे को। हमारे साथ रेट आपको, काफी कस्टमर को मेरा बुरा भी लगेगा, लेकिन ये है कि रेट महंगाई बहुत होगी, मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ। अभी जो मेरे पास जैसे ये 5 एम्पीयर पड़ी है, इसका रेट है 2000 कस्टमर के लिए, नहीं तो इधर मेरी दुकान का 2200-2300 रुपया रेट चल रहा है।
जो मुझे खुद बताएंगे यूट्यूब से देखकर आए तो मैं आपको उसी रेट पर ही दूंगा। सातवां पैर के जो रेट है इसका 2600 रुपये है और नौवां पैर का रेट 3500 रुपये और दूसरा बारह का जो रेट है वो 4300 रुपये। मेरा लास्ट आखिरी रेट होएगा कस्टमर के बादशाह तो ये कि आप अपने खुद आके बोलना है कि मैं यूट्यूब से आप ये भाई हम वीडियो देख के आए तो फिर आपको इसी रेट पे मिलेगा। अच्छा अब जानते हैं इमरान भाई से कि उनके पास मजीद और क्या आइटम पड़ा हुआ। अच्छा जैसे अभी इमरान भाई ने हमारे को बताया अगर किसी को ब्रेकर चाहिए हो घर के लिए हमारे पास ब्रेकर कॉन्डक्टर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इलेक्ट्रिक का तो हम जरा उसकी भी तफसील लेके आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक SP ब्रेकर है, 2-pole ब्रेकर, सिंगल पोल, बड़ी टिप, छोटी टिप सारी पड़ी हुई हैं, पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर पड़े हुए हैं बड़े और इसको किसी को भी जरूरत हो पावर फैक्टर बेसिक बनवाना हो एक बार रब्ता जरूर करें। इंशाल्लाह ऑनलाइन बनवाएंगे ऑनलाइन आप लोगों को भेजेंगे। ये 250 ब्रेकर है, ये ऑटोमेटिक ब्रेकर होता है समझ के, इससे ऊपर आप कोई चीज़ भी नहीं चला सकते हैं। अच्छा। इस अम्पेयर से जैसे 250 आप 250 आपके पास वो सारा जो भी इलेक्ट्रिक चल रहा है इससे अगर आप ऊपर चलाते हैं तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं आपकी। दूसरी चीज़ जलाने से ये रोकता है, ये खुद ट्रिप हो जाएगा या खुद जल जाएगा लेकिन दूसरी चीज को जलने नहीं देगा। इसका ये काम है समझ लो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, ये तो इमरान भाई मेरे ख्याल से कंपनियों के लिए, गोदामों के लिए, बड़े काम के लिए, बड़े गोदामों के लिए लोग लगाते हैं पूरी पूरी कंपनी में। जैसे कि PMT भी ये लगे होते हैं अक्सर लोग आते हैं किसी वगैरह वाले तो वो भी लेके जाते हैं। और अगर घर वगैरह के लिए चाहिए इमरान भाई तो वो भी हमारे पास, घर वगैरह के लिए भी पड़े हैं ये आप इधर आए। जैसे ये SP ब्रेकर है ये लगाते हैं पंखे वगैरह के लिए, स्टेपलाइजर में लगाते हैं और इसके अलावा छोटे छोटे पैनल होते हैं तो वो जैसे आखिर में भाई वीडियो बना रहे TP वगैरह वो TP उधर भी लगती है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। 2-phase 3-phase जो भी हो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। और इसके अलावा जो घर के लिए आप कह रहे हैं तो ये ब्रेकर है, ये आप देख सकते हैं कि डबल पैक भी पड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा ये भी ब्रेकर पड़े, अल्लाह ना अगर कोई तारे वगैरह हमारी टच हो जाए कहीं से स्पार्क हो जाए तो ये उसको बचाएगी, ऑफ हो जाएगा ये। ठीक हो गया, तो ये भी बड़े फायदे की चीज है। अच्छा मैन भाई, जो हमारे पास ये नीचे ये पड़े हुए ये सामान ये किस चीज का और किस कैटेगरी का ये भी जरा आप बता दीजिए। ये बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ये 3-phase के 30 kV है, 10 kV, 8 kV और इसके अलावा मेरे पास पहले 50-70-80 भी आए होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं दस्तयाब करके दे दूंगा। ये बहुत कंपनी वगैरह में, ये कंपनियों में, मशीनों में, मोटर वगैरह पे, लोड पे ये भी इस्तेमाल होता है, लोड पूरा करके देते हैं, ओवर लोड रोकती है। सही हो, ठीक है, ये उसके लिए होता है। अगर ये बड़े ट्रांसफार्मर है ये करंट बना के भी देते हैं कम से कम जैसे 110 से लेके 220 और 220 से 240 भी इनके अंदर मौजूद है। ये 3-phase के होते हैं ये जी। मेरे पास अभी गर्मियाँ आ गई हैं जैसे बात आपको पता है कि बाहर तो मच्छर होंगे नहीं घरों में ही होंगे तो फिर उसके लिए मैंने मच्छर ला के रखी हुई हैं। अच्छा। ये आप लगाएंगे इसकी नॉर्मल सी लाइट होती है जैसे अंधेरा होता है तो डेंगू का ज़्यादा चक्कर होता है तो फिर वो जो भी ऐसा मच्छर घर आता है ये मच्छर को हलाक करने के लिए। अच्छा, ठीक है, मच्छर को बिल्कुल मेरे अपने घर के अंदर अलहमदुल्ला लगा हुआ है ये वाला। तकरीबन मेरे घर में 6 कमरे ये बड़े साइज के अंदर है, 6 कमरे हैं मेरे घर। ठीक है, ऊपर के साइज में ये AC में डीसी में इमरान, ये AC है, ये AC है जी। आप इन्वर्टर के जरिए इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2000 वाट का अगर इन्वर्टर है नॉर्मल जो आजकल चल रहे कंपनियों में लोकल उससे भी ये चल जाएगा। इसकी क्या प्राइस इमरान भाई ये भी जरा बता दीजिए व्यूअर्स को। इसका जो प्राइस है ये आपको पड़ेगा 3500 रुपए का, 100 में है जी। इसमें मुख्य सारे रेट है, 3500 का पड़ेगा नॉर्मल छोटे अगर कमरा है तो ये 600 रुपए का पड़ेगा। इससे ऊपर का आपको पूरी मार्केट में भी नहीं मिलेगा, यही रेट है पूरी मार्केट में जहाँ से भी आपने लेना है बेचा। ये बड़ा वाला है, बड़ा कमरा है तो बड़े कमरे के लिए बड़ा बल्ब है। अगर आपका 3 कमरे हैं तो ये बाहर आप लगा सकते हैं, ये उससे भी बड़ा है। जैसे एक टाइम में आता था पुराने टाइम में लालटेन आती थी और आप लगा लेते थे, ये भी उसी तरह ही है। कैंप ये आप इसको लगा सकते हैं।
अच्छा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वाट के बल्ब वगैरह भी पड़े हुए, और ये कंट्रोलर वगैरह जो सोलर के साथ अटैच होता है, और ये इन्वर्टर है जो 12 वाट को 220 के अंदर कन्वर्ट करेगा। और अभी हम इमरान भाई से पूछते, अगर कोई देख रहे जो नाजरीन जो यहाँ पे नहीं है, बाहर है, तो ऑनलाइन उनको सर्विस मिल सकती है या नहीं मिल सकती? इमरान भाई अगर कोई मंगवाना चाहते हैं जो कहीं और से देख रहे, तो उनको मिल सकता है? जी जी इंशाल्लाह, पहले की तरह जैसे आपने पहले वीडियो बनाई और लोग ने मेरे साथ रब्ता किया तो ऑनलाइन मंगवा रहे, तो मैंने उनको बिल्कुल भेजा है। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि मेरी चीज़ आपको कैसी लगी है। एतमाद तभी कस्टमर का होता है, तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। मेरा जो नंबर है 03433410090, पहले की तरह मेरा नाम वही है, इमरान खान, ठीक है? बदली नहीं किया, इंशाल्लाह वही इमरान खान है। और जब भी ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप के जरिए, खास करके मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टेक्ट किया करें। सुबह जो है ना, कम से कम 12 बजे तक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शाम को आप तकरीबन 7 बजे के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में मेरा वर्क होता है, काम होता है। तो अगर पैगाम देना हो तो आप व्हाट्सएप पे पैगाम छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको इमरान भाई की तमाम दुकान का रिव्यू करके दिखा दिया, और हमने आपको तमाम डिटेल्स शेयर भी करा दिए, उनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, और एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलेगी आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।